अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े से हैं? अच्छा जी, ये बताइए सुबह क्या किया था? आज की अच्छी बात क्या की आपने सुबह उठ के? वेरी गुड, सिपारा पढ़ा था, वेरी गुड, कलमा पढ़ा था उठ के, वेरी नाइस, और टीथ ब्रश किए थे, वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए भाई सुबह से, है ना भाई? अच्छा ये बताइए कि कल जो हमने काम किया था वो मुकम्मल कर लिया आप लोगों ने? मुकम्मल कर लिया, वेरी गुड। अच्छा उसको रीचेक कराया था? किससे कराया था? मम्मा से कराया था, वेरी गुड। अपने बड़े बहन भाई से कराया था, बहुत अच्छी बात है जी। जब भी आप काम अपने टीचर को भेजें उससे पहले रीचेक करवा लिया करें भाई कि काम में कोई गलती तो नहीं रह गई है, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ रह तो नहीं किया है ना? और फिर अच्छे से काम कंप्लीट करके मुकम्मल करके अपने टीचर को भेजा करें, ठीक है जी? जैसे कि आज हम काम करेंगे, आज काम करें, चलें भाई आज भी काम करते हैं, आज भी काम करेंगे, क्योंकि काम करने में मज़ा आ रहा होता है। क्यों मज़ा आता है ये सोचा कभी आप लोगों ने कि हमें काम करने में इतना मज़ा क्यों आता है? हम जो सवालात कर रहे होते हैं, हम जो मश्क कर रहे होते हैं, उसको करने में बहुत मज़ा आता है। वो इसलिए मज़ा आता है कि आप जो हैं मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, आप कहानी बहुत अच्छे से सुनते हैं मेरी, आप रीडिंग बहुत अच्छे से करते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, और जो काम मैं आपको देती हूँ वो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, और वीडियोस भी बार बार देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ आपको समझ में आ जाती है। और जब हर चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर काम हमें आसान और अच्छा लग रहा होता है, जैसे आज का काम लगेगा हमें, है ना भाई? तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बुक खोलेंगे, अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल, और उसका सफ़ा नंबर खोलेंगे हम 29 जी, सफ़ा नंबर 29 मौजूद है। हमारे पास दो मश्क तफहीम की थी जो हमने कल कर ली हैं, और आज हम करेंगे इसका तीसरा काम, और इसका तीसरी मश्क मौजूद है यहाँ पे, जिसपे लिखा हुआ है जी, हमारे चूहे साहब बैठे हुए यहाँ पे, और ये कह रहे हैं दिए गए जुमले पढ़ें और कहानी की तरतीब के मुताबिक लिखें जी। यानी कि हमें जो है फिर कहानी की तरतीब के मुताबिक लिखना है, हमें कुछ जुमले दे दिए गए हैं वो ऊपर नीचे, फिर गड़बड़ है भाई, ऊपर नीचे जुमले दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इसकी तरतीब करें। ये कहानी का मज़ा जो होता है, बड़ा मज़ा आता है मुझे जी, इस वाली कहानी में जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, इनकी तरतीब उलट पलट हो जाती है, उसको सही करने में बड़ा मज़ा आता है ना, कि हमें पता चलता है बिल्कुल सारी कहानी हमारे सामने आ जाती है कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, है ना, याद आता है ना सब कुछ, तो बड़ा मज़ा आता है। पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या गड़बड़ की है कहानी में, ठीक है जी? चले पढ़ते हैं पहले कि क्या क्या जुमले मौजूद हैं और हमने इसको कहानी के मुताबिक कैसे तरतीब देना है। चलें जी, पहला जुमला यहाँ लिखा हुआ है, अजायब घर बहुत अच्छा लग रहा था, अजायब घर बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, राजू का कोई दोस्त ना था। अच्छा, राजू का कोई दोस्त ना था, ठीक है। तीसरा जुमला मौजूद है, वो उदास रहता था। अच्छा ठीक है, वो उदास रहता था, तीसरे नंबर पे उन्होंने ये लिख दिया। और चौथे नंबर पे उन्होंने लिखा है, राजू ने सबको अपनी नई साइकिल की सवारी भी करने को दी। अच्छा, ये चार जुमले हमारे पास मौजूद हैं और इनकी तरतीब हमने कैसे करनी है, जो हमारी किताब में कहानी मौजूद है ना, कि कहानी के शुरू में ऐसा हुआ, फिर दरमियान में ऐसा हुआ, फिर आखिर में ऐसा हुआ, उसको देखते हुए हमने इसकी नंबरिंग करनी है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, है ना। तो पहले क्या हुआ था इसमें, सबसे पहले क्या हुआ था जी, राजू चूहे का कोई दोस्त नहीं था, वेरी गुड। तो हमारे पास जो नंबर मौजूद है यहाँ, राजू चूहे का कोई दोस्त नहीं था, उस पर हम पहला नंबर डालेंगे, ठीक है जी। पहला नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर क्या था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था तो वो क्या करता था, उदास रहता था, है ना, तो वो उदास रहता था, हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, वो उदास रहता था। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा भाई जी, उसने क्या किया, दोस्ती करने के लिए उसने क्या किया था, पहले सबको साइकिल दी थी सवारी करने को, है ना, दी थी ना, तो बस। तो फिर हमारे पास जुमला जो मौजूद है, राजू ने सबको अपनी नई साइकिल की सवारी भी करने को दी, तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर। अब आता है चौथा नंबर, जो कि हमारा बचा है जुमला कौन सा, अजायब घर बहुत अच्छा लग रहा था, अजायब घर बहुत अच्छा लग रहा था, यह आ गया हमारे तरतीब के हिसाब से चौथे नंबर पे। तो पहले नंबर पे है हमारा, राजू चूहे का कोई दोस्त नहीं था, ये हमारा हो गया पहला नंबर।
दूसरा नंबर पे आएगा हमारा वो उदास रहता था, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा राजू ने सबको अपनी नई साइकिल की सवारी भी करने को दी, और चौथे नंबर पे क्या आएगा भाई, चौथे नंबर पे आएगा अजायब घर बहुत अच्छा लग रहा था। चले जी, हमने क्या किया, अब हमने मिलके जो है बड़े मज़े से बहुत आसानी के साथ क्या किया, कहानी की तरतीब लिख दी। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि अब देखेंगे दूसरा काम क्या है। पेज नंबर यानी कि सफ़ा नंबर 30 पे मौजूद है हमारे पास एक और एक्सरसाइज, और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ भी चूहे साहब बैठे हुए बड़े मज़े से, और वो क्या कह रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि इस सबक का मरकजी पैगाम क्या है, इस सबक का मरकजी पैगाम क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें जी, कि मरकजी पैगाम क्या है, क्या पैगाम हमें दिया जा रहा है, क्या सबक दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है जी, यानी कि आपने सबक को पढ़ के क्या सीखा, क्या सीखा था भाई, कि हिम्मत नहीं हारनी है हमने जी, अगर कोई परेशानी है, कोई मसला हो गया है तो क्या करना है, आपने उसका हल सोचना है, और उसका हल सोचने के लिए कुछ ना कुछ करते जाना है, और फिर क्या होगा, बिलाआखिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है जी, ज़रूर मिलती है, आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलता है। हिम्मत नहीं हारते कि भाई शुरू में ही आप, ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे ये काम नहीं हो रहा तो आपने छोड़ दिया, नहीं, बल्कि क्या करना है, आपने कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, बार बार मेहनत करनी है, और फिर आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है ना। चलिए देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कौन कौन से हमें जो है वो ऑप्शंस दिए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स दिए, जिनको देख के हमने बताना है कि भाई इसका जवाब क्या है दुरुस्त। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि अच्छा, क्या इसका मरकजी पैगाम ये है कि चूहे की जद्दोजहद, अच्छा दरख्त उगाना, दरख्त नहीं, पढ़ाई करना, कुछ नहीं था, और क्या है भाई, बाग की सफाई, चूहे की जद्दोजहद, दरख्त उगाना, पढ़ाई करना, बाग की सफाई, इन चारों में से हमें क्या पैगाम मिला है जी, चूहे की जद्दोजहद, तो हम इस पे दुरुस्त का निशान लगा देंगे, ठीक है जी। तो हमारा हुआ कि चूहे की जद्दोजहद, चूहे ने जो उदास रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसने क्या जद्दोजहद की थी कि सबको अपना दोस्त बना लिया था, है ना, तो इस पर हम लगाएंगे दुरुस्त का निशान। इसके बाद क्या ऑप्शन है भाई, ये सबक किसके बारे में है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, ये सबक किसके बारे में है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, बताना है कि भाई किसके बारे में है, कौन था इसमें, क्या चीज़ बताई गई थी, करेक्टर्स क्या थे, क्या चीज़ थी, तो भी देखते हैं कि भाई क्या था इसमें। पहला ऑप्शन इसने हमें दिया है जंगल, जंगल का था, नहीं, बा घर, नहीं, और फिर इसके बाद है चूहों का अजायब घर जी, आपकी हंसी बता रही है मुझे कि हाँ भाई चूहा का अजायब घर बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, तो यहाँ हम लगाएंगे दुरुस्त का यानी कि सही का निशान। चले भाई क्या करेंगे, अब इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि हमें ये सवालात जो हैं, तमाम एक्सरसाइजेस मश्क जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं, और जब अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हम ये काम कंप्लीट करेंगे, पेंसिल ज़रूर शॉर्प करेंगे, और फिर अपने काम की पिक्चर जो है अपनी टीचर को भेज देंगे, और फिर कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।